मुझे, मैं आज आपको यहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा कि यहाँ क्या क्या है और कैसे है। गाइस, ये है मेरा दोस्त कम मेरा एडिटर पुनर। आज हम आए हैं यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बैक साइड स्विंग्स पे। यहाँ पे बहुत सारी स्विंग्स हैं, हम आपको बार बार एक एक बार करके लेकर चलते हैं। आइए, दूसरी स्विंग है, ये काफी बड़ी है, यहाँ पे दो बच्चे बैठ सकते हैं। आइए, ये दूसरी स्विंग्स है, ये रोल वाली स्विंग्स है, वो नॉर्मल स्विंग्स थी। जैसे अभी तक हम दो स्विंग्स झूल रहे थे, लेकिन अब जो स्विंग्स आ रही है वो झूलों की तरह नहीं है, वो अलग है। आपको या आप बचपन में आपने कभी देखा होगा, हम चढ़ते थे, इससे हाइट बढ़ती है। डर लग रहा है यार। हम दूसरे पार्क को छोड़कर आगे वाले पार्क में आ गए। यहाँ पे ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्क बने, हम अभी तक उसमें स्विंग्स कर रहे थे, अभी हम यहाँ करेंगे। झूले पर जा रहे हैं, वह खतरों से खाली है। इस झूले के साथ मेरी काफी यादें हैं, इस पे मैं 2 से 3 बार गिर भी चुका हूँ। आइए आपको लेकर चलते हैं इसकी राइड पे। तेरी गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरी हायाबुसा है और हमारी पार्टी हो रही है। अब जिस एक्टिविटी पे हम आए हैं, एक तरीके से तो वो बच्चे वाली है, पर हम भी बच्चे ही हैं। आपको याद होगा हम पेज पे टीचर के जब पढ़ा रही होती थी, बोरिंग बोर होकर जीरो काटा खेलते थे, ये वही गेम है। देख ही चुके हैं, ये सारी चीजें छोटे बच्चों वाली हैं, तो हम इसको अभी थोड़ा इग्नोर करते हैं और आगे चलते हैं। आइए, ये बेसिकली छोटे बच्चों का एक पार्क टाइप है, इसमें ज्यादातर छोटे बच्चों के झूले लगे हुए हैं। आइए, यहाँ पर ज्यादातर ये फिसलने वाले झूले हैं, हम इसको भी इग्नोर करेंगे और आगे सीसा पर चलेंगे। आइए, नीचे नहीं आने दे रहा, मैं ऊपर ही अटक गया हूँ। मैं जोर लगाए जा रहा हूँ पर मैं नीचे नहीं आ पा रहा। गाइस, जो नेक्स्ट झूला है वो हो शायद ही आपने कभी देखा होगा, ये बहुत इनोवेटिव है। इधर तो टूट रहा है, ओके। इस पे हमें रोप को पकड़कर ये पूरा झूले पर जाना होता है। वैसे तो गुलाब जामुन ब्राउन कलर के होते हैं, पर ये वाले रेड कलर के हैं। आइए, मैं गिर जाऊंगी। गाइस, ये रेड कलर वाले गुलाब जामुन है, नॉर्मल गुलाब जामुन ब्राउन होते हैं। धीरे धीरे एडवेंचर।
को पार करेंगे। गाइस अब हम झूले पर जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। आप सोच रहे होंगे मेरा दूसरा दोस्त कहाँ गया, लेकिन ये भी मेरा दोस्त ही है। अभी तक ये कैमरामैन बना हुआ था और हम झूले झूल रहे थे, लेकिन फिर हमने सोचा कि इसको भी झूला झूलने का हक है, तो आइए झूला झूलिए। ये झूला बड़ा इनोवेटिव और अजीब सा है, हमें भी ये पहले समझ नहीं आया था। फिर हमने अपना तेज दिमाग चलाया। हम अभी तक दो पार्क छोटे पार्क कवर कर चुके हैं, अब हम लास्ट पार्क में जाएंगे। आइए गाइस, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऐसे बहुत ही प्यारे प्यारे डस्टबिन हैं। आप इसको घर ले जाकर एक स्टडी टेबल की तरह भी यूज कर सकते हैं। आइए हम दूसरे पार्क और आखिरी पार्क में आ गए हैं। ये पार्क तो है पर छोटे बच्चों वाला पार्क है। इस पे हम झूल सकते हैं, जैसे एक ये झूला है, हम ट्राई कर सकते हैं आपके लिए। इसको ऐसे झूलते हैं, आ जा है ये छोटे बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं इसमें नहीं झूलता है ही नहीं, बड़े बच्चों का मजा बहुत आता है गाइस। लेकिन ये झूला हम झूल चुके हैं, ये भी एक तरीके की स्लाइड है पर ये थोड़ी फ्लैट स्लाइड है। आइए इसमें हमें स्पेस काफी मिल जाता है, हम पूरा फैल के उतर सकते हैं। यो गाइस, अब तक हम सारे झूले झूल चुके हैं, हमने ऑलमोस्ट सारे झूले कवर कर लिए। उससे पहले हम घर जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। मैं आपको अपने पूरे टीम कम फ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। मीट हिम, ही इज माई फ्रेंड विदित चोपड़ा, द कैमरामैन इज नोन एज पुनर शर्मा। Yeah.